आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इटावा में मुलायम सिंह के निधन के बाद शुद्धि संस्कार। सैफई में आज शुद्धि संस्कार का आयोजन। नेताजी का पूरा परिवार शुद्धि संस्कार में शामिल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, आज नेताजी का शुद्धि संस्कार होना है इटावा में, परिवार के सारे सदस्य मौजूद है, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बात एक सबसे बड़ी बात है कि जो है नेताजी जो थे ये धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे, और इनको जो है हर पार्टी का जो नेता होता है, हर पार्टी के नेता है, इनको सर्वोपरि मानते थे। और कुल मिलाकर देखिए, राजनीति भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखा जाए तो कि कुल मिलाकर नेताजी की कल मृत्यु हुई है, और उसके बाद जो है अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचे थे, तेजपाल यादव पहुंचे थे, और तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय राजनीति को, और मैं मानता हूँ कि जहाँ तक हमें मानना चाहिए कि बहुत बड़ी क्षति हुई है कि एक नेताजी जो है, क्योंकि 1967 से इनका 10 बार ये विधायक रहे हैं, 10 बार 7 बार सांसद रहे हैं, और 3 बार मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनका जाना और कहीं ना कहीं इनका इस राजनीति से हट जाना, या फिर कहिए तो बहुत बड़ी क्षति होती है हमारे लिए, आपके लिए तो बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिए। और रक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, रक्षा मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए हैं, फैसले भी और आर्मी के साथ भी लिए हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति है। सागर, आज देखा गया कि अखिलेश यादव उनको लेकर भावुक हुए, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज बिना सूरज के सवेरा हो गया है। जी, मैं मानता हूँ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद भी जो है अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचे थे, और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो है डिप्टी सीएम हुआ करते हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहने बात है कि जो लोग कहते थे कि हाँ तो राजनीति में जो है द्वेष की भावना होती है, तो देश की भावना नहीं थी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मयूरी आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बात है कि एक लोग पहुंचे यहाँ पे, और नेताजी का जाना सबसे बड़ी क्षति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पे पहुंचे। सैफई एक ऐसा इलाका बन गया था जहाँ पे छावनी बन गई थी, क्योंकि देखिए नेताजी यहाँ से ताल्लुकात रखते थे, और नेताजी का यहाँ पे आना, यहाँ पे रोजाना यहाँ पे बैठना, तो उनके भाई हो चाहे उनके सके संबंधी हो, तो उनको खलासी नेताजी चले गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेताजी का जाना बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।